नमस्कार, सिल्क टीवी में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से माहौल हुआ भक्तिमय। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर डीएम प्रणब कुमार ने की बैठक, अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने किया पदभार ग्रहण, बधाई देने वालों का लगा तांता। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ललक ममलखा स्टेशन पर ग्रामीणों ने किया धरना, जिप अध्यक्ष भी हुए शामिल। और मोबाइल चलाने के दौरान विक्रमशिला एक्सप्रेस से गिरकर व्यक्ति की हुई मौत, नाथनगर के पूर्वी कैबिन के समीप हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास के दूसरी सोमवारी पर भागलपुर के तमाम शिवालयों एवं मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। भागलपुर के बाबा विद्येश्वर नाथ मंदिर में सरकारी पूजा सुबह 3 बजे से शुरू हुई, जबकि सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। भागलपुर के शहरी क्षेत्र के अलावा विभिन्न जगहों से आए बाबा बूढ़ानाथ के भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिर में उमड़ने लगी और सभी से भक्तों ने बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर पूरे नियम पूर्वक पूजा की और मनोकामना पूर्ति के लिए भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। मंदिर प्रबंधन समिति के दीपक सिंह एवं पंडित मिथिलेश झा ने कहा कि सावन की प्रत्येक सोमवारी पर मंदिर में विशेष पूजा की जाती है और बूढ़ानाथ मंदिर प्रबंधन समिति के सहयोग से संध्या के समय महाआरती सेवा संघ की ओर से गंगा महाआरती की गई, जबकि मंदिर प्रबंधन की ओर से बाबा विद्येश्वर नाथ का भव्य श्रृंगार मंदिर के पुजारियों एवं शिव भक्तों द्वारा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सिर नवाया और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में स्थित मां पार्वती, राधा कृष्ण समेत कई देवी देवताओं एवं दर्जनों शिवलिंग पर पुरुष, महिला एवं युवक युवतियों ने जल चढ़ाया। वहीं सावन को लेकर पूरे मंदिर परिसर को कृत्रिम फूलों एवं सजावटी सामानों से सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को मंदिर परिसर के पूजन सामग्रियों की खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। भागलपुर के नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी पर हजारों से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण किया। सुबह से ही मंदिर के मुख्य द्वार समेत पूरे मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जुटी रही और बोलबम के नारे के साथ से भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पूरा मंदिर परिसर बोलबम एवं हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा और टोली बनाकर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते दिखे। मंदिर के पुजारी माना शुक्ला ने कहा कि सावन की सोमवारी का विशेष महत्व होता है और इस पर दूर दूर से बाबा मनस्कामना नाथ को जल चढ़ाने भक्त पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि सोमवारी पर उपवास का भी विधान है और इसमें शिव भक्त अपनी इच्छा से व्रत भी रखते हैं। बाबा मनस्कामना नाथ को बेलपत्र, गंगा जल समेत कई पूजन सामग्रियों से अभिषेक कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भगवान शिव के वाहन बसहा नंदी की भी पूजा अर्चना की गई। विभिन्न जगह से आए भक्तों ने अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा की और शिव भक्तों ने बाबा मनस्कामना नाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। वहीं सुल्तानगंज स्थित अजगैवीनाथ धाम में भी सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। पूरे मंदिर परिसर में दूर दराज से आए भक्तों ने बाबा अजगैवीनाथ को जलाभिषेक किया और मंदिर परिसर बोलबम और बाबा अजगैवीनाथ के जय घोष से गूंजता रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर पूरा सुल्तानगंज बाबा भोलेनाथ के रंग में रंगा नजर आया। भागलपुर के DRDA सभागार में जिला अधिकारी प्रणब कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं को लेकर सोमवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में 7 निश्चय, MJC,
CWJC विक्रमशिला समानांतर पुल के जमीन अधिग्रहण, बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव से बचाव, हरियाली योजना, स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की तैयारी समेत सभी विभाग के कार्यों में तेजी लाने को लेकर DM ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। DM ने कहा कि PHED ग्रामीण क्षेत्र में जल नल योजना का सर्वे कर कार्यों में तेजी लाए, जबकि शहरी क्षेत्र में नगर निगम में हर घर नल का जल योजना के तहत सभी लोगों तक नल का जल उपलब्ध कराने का कार्य करें। बढ़ते हुए जल संकट को देखते हुए शहर में नगर निगम को सोखता निर्माण का कार्य करने और ग्रामीण क्षेत्र में PHED की सोखता निर्माण कराने की बात कही गई। भवन निर्माण विभाग को सभी सरकारी बिल्डिंग में जल संग्रहण को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराने का निर्देश जिला अधिकारी ने दिया। बैठक में विक्रमशिला समानांतर पुल के जमीन अधिग्रहण का कार्य जल्द से पूरा करने और बाढ़ नियंत्रण के लिए संबंधित विभाग को तेजी से कार्य करने की बात कही गई। इस दौरान 15 अगस्त और विषहरी पूजा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को संपन्न कराने के लिए कार्यों में तेजी लाई जाए, जिससे स्वतंत्रता दिवस के साथ विषहरी पूजा भी शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। इसके अलावा जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, ADM राजेश झा राजा, DRDA डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, अभियंता और कर्मी मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने सोमवार को विश्वविद्यालय के 61वें कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। सबसे पहले प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद ने कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा का प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद कुलपति सीधे अपने चैम्बर गए, जहाँ प्रति कुलपति ने उन्हें प्रभार सौंपा। वहीं कुलपति ने स्थान ग्रहण करने के पूर्व विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन स्वीकार किया, साथ ही विश्वविद्यालय के विकास में सहयोग करने की अपील की। इसके बाद DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो, वित्त परामर्शी पदम कांत झा, वित्त पदाधिकारी विजयमल प्रसाद, प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास, कॉलेज इंस्पेक्टर ऑफ साइंस प्रोफेसर सरोज कुमार राय, PRO डॉक्टर SD झा, TNB कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, प्रोफेसर भास्कर पाठक समेत शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के अधिकारियों ने कुलपति का बुके और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वहीं कुलपति प्रोफेसर विवास चंद्र झा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बारी बारी से सभी का परिचय प्राप्त किया और समन्वय स्थापित कर कार्य करने की बात कही। हम आपको बता दें कि 23 जुलाई को राजभवन ने नए कुलपति की अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र शाह ने 24 जुलाई को अपना इस्तीफा रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह को भेज दिया था। सोमवार को कार्यभार संभालने के बाद कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने सिल्क TV को बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता विश्वविद्यालय की गरिमा कायम रखना और सभी के सहयोग से शिक्षकों के साथ छात्र हित में कार्य करना है। मेरी प्रथम प्राथमिकता पूरे विश्वविद्यालय की गरिमा को ऊंचा करना, जिसके लिए हम सभी लोग तटबद्ध हैं। इसके लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि विश्वविद्यालय, छात्र, शिक्षक, कर्मी से ही चलता है और सब लोगों का पूरा सहयोग इसमें जरूरत है और मिलेगा और हम हर हालत में विश्वविद्यालय की गरिमा को ऊपर रखेगा। समाज के विकास के लिए, और समाज के विकास के लिए मतलब वह समाज की हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद बनती है। समाज की उम्मीद और हमारे विश्वविद्यालय की जरूरत और इसमें सहयोग, सहयोग सबका, तभी मेरे समाज का भी विकास होगा अगर मेरा विश्वविद्यालय विकास करेगा और आसपास के सभी क्षेत्र। बहुत सी यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि सामाजिक उपयोगिता में विश्वविद्यालय का लाने से उन चीज़ों की भी विशेषता सामने आएगी, प्लस समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विश्वविद्यालय का जो रोल होगा
वो रोल उसमें उजागर होगा। भागलपुर के ललक ममलखा रेलवे क्रॉसिंग के समीप सबौर दक्षिणी क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ललक ममलखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया और सरकार एवं रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि सबौर दक्षिणी क्षेत्र के दर्जनों गांव के शहर आने जाने के लिए एकमात्र विकल्प रेलवे ट्रैक पार करके जाना है, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और वाहनों का प्रवेश गांव में नहीं हो सकता है। हाल यह है कि स्कूली बच्चे, बुजुर्गों एवं सभी ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करना होता है। धरना में जिला परिषद के अध्यक्ष अनंत कुमार उफ टुनटुन शाह, जिला परिषद सदस्य अरविंद मंडल, समिति पंचायत निर्माण समिति के पदाधिकारी एवं तमाम गांव के जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए रेलवे एवं राज्य की समस्या को राज्य सरकार से आरओबी निर्माण कराने की मांग की। सुशांत कुमार हजारी ने कहा कि आरओबी नहीं रहने के कारण गाँव में वाहनों का आवागमन नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोगों को विषम परिस्थिति में भी रेलवे ट्रैक पार कर जाना मजबूरी है। कुंदन कुमार ने कहा कि अगर धरना प्रदर्शन से सरकार एवं रेलवे प्रशासन मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करेगी तो आगे आंदोलन तेज कर रेल ट्रैक जाम किया जाएगा। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार यादव, हीरालाल समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। प्रदर्शन हुआ, रेल प्रशासन ने देख रहे हैं चारों तरफ खुट्टा लगा दिया, एक भी आदमी न टप पाए न गाड़ी घोड़ा टप पाए। अगर कोई दुर्घटना होता है तो रेल प्रशासन जिम्मेवार होगा और जिला प्रशासन भी जिम्मेवारी होगा। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन पूर्वी कैबिन के समीप डाउन विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान नवागढ़ी चरौन निवासी रामानंद चौधरी के पुत्र सलेश कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक सलेश पटना में विक्रमशिला में सवार हुआ था और भागलपुर सैदपुर स्थित अपने ससुराल जा रहा था। नाथनगर स्टेशन के समीप ट्रेन गेट पर मोबाइल चलाने के दौरान मोबाइल हाथ से छूट गया, जिसको पकड़ने के लिए सलेश ने हाथ आगे बढ़ाया। उसी दौरान नीचे गिरकर ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पटना से जो है ना घर आ रहा था, घर से फिर क्या मन हुआ इसको, भागलपुर आ रहे जाएंगे ससुराल, इनका पड़ता है सैदपुर, उस पर वही भागलपुर आने क्रम में ऐसा उन्होंने बताया कि मोबाइल जो है इनका गिर गया, उसी हाथ झपटने के चक्कर में ये ट्रेन पर से गिर गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुंचकर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हेपेटाइटिस यानी लीवर का संक्रमण काफ़ी खतरनाक रोग है जो मुख्य रूप से वायरल संक्रमण के कारण होता है। इसमें खून में होने वाला संक्रमण जानलेवा भी हो सकता है। हेपेटाइटिस को लेकर भागलपुर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव सिन्हा ने कहा कि इस बीमारी से प्रत्येक साल विश्व भर में 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है और इसके शिकार सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। डॉक्टर राजीव सिन्हा ने कहा कि हेपेटाइटिस दूषित खाना और पानी पीने से होता है। इन दिनों हेपेटाइटिस की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है कि 28 जुलाई को प्रत्येक साल WHO के देख रेख में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस वायरस से जो जॉन्डिस में होता है या लीवर में संक्रमण, उसका प्रतिफल को हेपेटाइटिस कहते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। इसमें सब महत्वपूर्ण है हेपेटाइटिस बी और सी, क्योंकि एक बार जब संक्रमित हो जाता है इससे व्यक्ति, तो वो आगे जाके लीवर लगता है, लीवर का कैंसर बदल जाता है, का बहुत सारी उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि रोकथाम किया जाए। हेपेटाइटिस बी को ट्रीट किया जा सकता है, हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करके ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसको रोकना। बांका के अमरपुर बाजार स्थित निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। दरअसल फुल्ली डुमर के राता गांव निवासी दिवाकर सिंह ने प्रसव पीड़ा होने पर पत्नी को फुल्ली डुमर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए अमरपुर रेफर अस्पताल भेज दिया। वहीं अस्पताल में मौजूद आशा कार्यकर्ताओं ने परिजनों को बहला फुसलाकर बेहतर इलाज के लिए निजी क्लिनिक लेकर चली गई, जहाँ डॉक्टरों ने परिजनों से 40,000 रुपये जमा करने की मांग की। इसके बाद परिजनों ने 20,000 रुपये जमा कर इलाज करने की गुहार लगाई। वहीं इलाज के दौरान रविवार की सुबह महिला की मौत हो गई, जबकि कुछ देर बाद बच्चे की भी मौत हो गई। दोनों की मौत की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख नर्सिंग होम संचालक नागेश्वर राय और डॉक्टर आभा प्रवीण मौके से फरार हो गए। वहीं हंगामा की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। भागलपुर के नाथनगर में युवा चेतना क्लब की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार, क्लब के संस्थापक डॉक्टर अशोक कुमार आलोक सहित गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान रक्तदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। शिविर में 143 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया, जिसे मायागंज अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा कराया गया। इस मौके पर सूरज कुमार, बिट्टू सिन्हा, नवीन कुमार, हिमांशु शेखर ठाकुर, मनोज मीता सहित कई रक्तदाता और स्थानीय लोग मौजूद थे। आज का ये रक्तदान शिविर जिस प्रकार युवा चेतना क्लब के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी हमारा ये शिविर था, और हम धन्यवाद करते हैं अपने समाज के लोग को, अपने क्षेत्र के लोग को, कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी 80 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है। ये साधारण बात नहीं है, पूर्णतः हम उम्मीद करते हैं कि ये 100 के पार जाएगी, और ये 100 के पार ये ब्लड डोनेशन जो होता है, रक्तदान होता है, तो मतलब 300 जीवन को इससे बचाया जा सकता है। तो चूंकि इंसान जीवन किसी को नहीं दे सकता, लेकिन अगर किसी के जीवन को रक्तदान करके बचा सकता है, तो हम वैसे इंसान को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उसको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में सोमवार को रक्तदान जीवन दान विषय पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का आयोजन प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष मेजर रजी इमाम के देखरेख में किया गया। प्रतियोगिता में NCC के दर्जनों कैडेट ने भाग लिया। इसके बाद सेमिनार को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने रक्तदान के महत्व पर अपने विचार रखे और युवाओं को रक्तदान शिविर में जाकर रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। वहीं मेजर रजी इमाम ने कहा कि रक्तदान महादान है और इसमें युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर आशीष कुमार, सोनू कुमार, माहिनूर फातिमा, काजल कुमारी समेत NCC कैडेट मौजूद थे। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित गंजी मिल के समीप आपसी विवाद को लेकर भाई ने भाई को चाकू मार दिया। इस घटना में छोटा भाई अंजनी कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने घायल अवस्था में अंजनी को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया।
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बड़े भाई मंगला डोम अपनी बेटी की पिटाई कर रहा था, जिसका अंजनी ने विरोध किया। इसी को लेकर मंगला डोम ने घर में रखे चाकू से उस पर हमला कर दिया। हालांकि परिजनों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमला करने के बाद बड़ा भाई मौके से फरार हो गया। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर स्थित अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में बहुजन छात्र कन्वेंशन का आयोजन किया गया। छात्र कन्वेंशन में शिक्षा के निजीकरण, छात्रवृत्ति, फेलोशिप, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने कहा कि बहुजन छात्रों को संविधान एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। साथ ही कहा कि देसी और विदेशी घरानों को फिर से देश को नीलाम करने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की चुनौती बहुजन छात्रों के सामने है। मौके पर कुंदन कुमार, रिंकू यादव, सौरभ राणा, अभिषेक आनंद, सोनम राव सहित काफ़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। पटना में आयोजित बिहार राज्य ओपन एथलेटिक्स मीट 2019 में जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए युवा चेतना क्लब की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला एथलेटिक्स सचिव नसर आलम ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले 20 खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए, साथ ही सरकार को सभी खेलों के प्रति एक समान व्यवहार रखना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर अजय यादव, त्रिपुरारी कुमार, नवीन कुमार, जियाउर रहमान सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में सोमवार को नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के तहत आयोजित गीता सस्वर पाठ प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, इस्कॉन के ब्रह्मचारी ईश्वर मानदास एवं रुक्मणी मोहन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान ब्रह्मचारी ईश्वर मानदास ने कहा कि विद्यार्थी को मन की चंचलता पर नियंत्रण रखकर विद्यार्थी धर्म का पालन करना चाहिए। शरीर बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलती है। उन्होंने कहा कि पैसे और स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण चरित्र निर्माण होता है, व्यक्ति में आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य एवं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने दोनों ब्रह्मचारी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। समापन कार्यक्रम के दौरान निमिषा रानी, शैलजा शर्मा, आंचल प्राची एवं शाखा को मेडल एवं प्रमाण पत्र दिया गया। इस्कॉन के कर्मचारियों ने बच्चों को राम नाम के महामंत्र का जाप कराया। इस अवसर पर संजीत पाठक, भीष्म मोहन झा, पंकज उपाध्याय, सुजाता कुमारी समेत कई शिक्षक शिक्षिका एवं काफी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद थे। चलते चलते एक नजर डालते फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से माहौल हुआ भक्तिमय। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर डीएम प्रणब कुमार ने की बैठक, अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने किया पदभार ग्रहण, बधाई देने वालों का लगा तांता। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ललक ममलखा स्टेशन पर ग्रामीणों ने किया धरना, जिप अध्यक्ष भी हुए शामिल। और मोबाइल चलाने के दौरान विक्रमशिला एक्सप्रेस से गिरकर व्यक्ति की हुई मौत, नाथनगर के पूर्वी कैबिन के समीप हुआ हादसा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।